जनवाद पर ही अटैक है, बोलने की आज़ादी पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अटैक है। महिलाओं का रोज़गार एक बहुत अहम मुद्दा है और पेट्रियार्की, मनुवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, इनके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। Women are human beings, you know, which I think we keep forgetting. ये चीज़ हमें हर सत्ता को, हर इंसान को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हम इंसान हैं, हर हक हमारा है। जो नोटबंदी की थी सरकार ने, उससे लोगों, गरीब लोगों की ज़िंदगी पूरी बर्बाद हुई है, तो सबके हाथ को काम मिलना चाहिए। गुरमेहर कौर के साथ है हम, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है, उसके बारे में कितनी वाहियात बातें बोली जा रही है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये जो पूरा गुंडागर्दी का माहौल है और उनका पूरा जो मनोवाद थोपना चाहते हैं, दलितों के ऊपर हमले, मुसलमानों के ऊपर, औरतों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, इसके खिलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और जो महिला आरक्षण बिल उन्होंने वायदा किया था वो पास करेगी पार्लियामेंट में, अभी उनका बहुमत है, वो तुरंत पास करेगी। साम्राज्यवाद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, और सांप्रदायिकतावाद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, 30% आरक्षण बिल पास करो, पास करो, पास करो। Being here supporting Dalit rights, women's rights, trans lives, like I think it's incredibly important. It doesn't matter that we're not from India, but supporting International Women's Day is what we're here for. आंगनवाड़ी वर्कर्स जुलूस निकाल रही थी, तो क्योंकि मोदी जी आज अहमदाबाद जा रहे हैं, तो ये औरतें बैठी हुई थी गांधी आश्रम के सामने। सबको, 3000 औरतों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। ये उनका महिला दिवस की कदर है।